गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास टेंथ का फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में मैं बताया हूँ कि एक अनिल नामक युवक है जिसके पास एक 15 साल का लड़का आता है और अनिल को सीधा साधा लापरवाह समझकर वो उसे चोरी के लिए उपयुक्त समझता है। वह लड़का जो है उसकी उम्र 15 साल है और वह एक चोर है, उसको चोरी का पर्याप्त अनुभव है। और जब वह अनिल को देखता है कि वह सीधा साधा है, लापरवाह सा है, तो वह समझता है कि अनिल के यहाँ से आसानी से चोरी की जा सकती है। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, सेकेंड पार्ट मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ और ये मैं बता रहा हूं कि क्या हुआ। अनिल मेड मनी बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो था, अनिल की नियमित इनकम नहीं थी, उसकी इरेगुलर इनकम थी। ही वुड बोरो 1 week लेंड द नेक्स्ट। वह एक सप्ताह उधार लेता था तो दूसरे सप्ताह उसको चुकाता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट इट। वह अपने दूसरे सप्ताह माने दूसरे चेक का इंतजार किया करता था, लेकिन मतलब उसको चेक के रूप में पैसे आते थे और उस चेक का वह इंतजार किया करता था। लेकिन जब ही उसका वो चेक आ जाया करता था, वह सेलिब्रेट करने निकल जाता था। मतलब अपने चेक के आने को लेकर वह चिंतित रहता था, लेकिन जब ही वो चेक उसे मिल जाता था, वो सेलिब्रेट करने निकल जाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन अ क्वीर वे टू मेक लिविंग। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मैगजीन में लिखता था और यही विचित्र रास्ता उसके जीविकोपार्जन का था। वन इवनिंग ही केम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर। एक दिन शाम को वह छोटे से नोट का बंडल लेकर आया और उसने कहा कि उसने एक पुस्तक पब्लिशर को दी है जिससे ये आमदनी उसे हुई है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने रात को देखा अनिल को वह पैसा चटाई के नीचे रखते हुए। मैं एक बार आपको फिर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो नैरेटर है वो खुद चोर है, वह 15 वर्षीय बालक है। लेखक ने इस स्टोरी को उसे चोर के माध्यम से कहलवाया है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. मैं करीब एक महीने से अनिल के पास काम कर रहा था और शॉपिंग के दौरान जो मैं चीट करता था, एक आध रुपया बनाता था, उसके अलावे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जो मेरे लाइन का था। मतलब मैं एक चोर था और चोरी करना मेरा काम था, लेकिन शॉपिंग में जो मैं 1 रुपया बचाया करता था, वही केवल मैं चोरी किया था, चाहे उसके साथ धोखाधड़ी किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास हर अवसर वह मौजूद था उसको उसके साथ चोरी करने का। अनिल हैड गिवेन मी अ की टू द डोर।
एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीस्ड। कह रहा है कि मेरे पास ये पूरा अवसर था कि जो पैसा लाया है उसको मैं चुरा लूं। अनिल मुझे आने जाने के लिए दरवाजे की चाबी भी दे चुका था, की भी दे चुका था। मैं जब चाहूं तब घर में आ जाऊं, जब चाहूं तब बाहर चला जाऊं। इसके लिए अनिल ने मुझे एक अलग चाबी दे दी थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वह सबसे अधिक विश्वासी व्यक्ति था। मैं अब तक जितने लोगों से मिला था उसमें अनिल सबसे अधिक ट्रस्टेड पर्सन था, सबसे अधिक विश्वासी व्यक्ति था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। और यही कारण था कि उसको लूटना, उसके साथ धोखाधड़ी करना बहुत कठिन कार्य था। इट इज ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रोब्ड। कह रहा है कि एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटे जाने को बर्दाश्त कर सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को धोखा देना कठिन है। क्योंकि समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। क्योंकि उस व्यक्ति को यह पता ही नहीं चलता कि उसके साथ कोई धोखाधड़ी कर दिया है, उसके साथ कोई गलत काम कर दिया है। और अगर जब उसको पता ही नहीं चला तो चोरी का सब मजा बेमजा हो जाता है, मतलब काम करने का कोई मजा ही नहीं आता है। उसे लूटे जाने पर, किसी व्यक्ति को लूटे जाने पर जो एक चोर को संतोष होता है उसको नहीं प्राप्त हो पाता क्योंकि वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उसको लूटा गया है। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ। ठीक है, यह समय है कुछ वास्तविक काम करने का। उसने स्वयं से कहा कि यह समय है कुछ वास्तविक काम करने का, रियल वर्क करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। और उसने स्वयं से कहा कि मैं इन दिनों प्रैक्टिस से बाहर हूँ। मतलब प्रैक्टिस से बाहर होने का मतलब मैं जो चोरी किया करता था, चोरी करने के कार्य से मैं कुछ दिनों से दूर रहा हूँ। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और यदि मैं अनिल के पैसे को नहीं चुराया, नहीं लिया, तो वह उसे अपने मित्रों पे खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। कह रहा है कि सब कुछ के बावजूद वह मुझे पे भी तो नहीं देता है। वह मुझे रखता है, मुझसे काम करवाता है, लेकिन मुझे पैसा नहीं देता है। वह कह रहा है चोर। अनिल वाज अस्लीप। अनिल सोया था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। और जो मूनलाइट था, चंद्रमा का जो प्रकाश था, वो बालकनी में आ रहा था और बेड पे भी पड़ रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन। और मैं फर्श पर उठकर बैठ गया स्थिति को समझते हुए। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। वह सोच रहा है कि यदि मैंने पैसा ले लिया तो 10:30 की गाड़ी लखनऊ से जो जाती है उसको मैं आसानी से पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रीप टू द बेड। और उसने क्या किया, कंबल से बाहर निकलकर वो धीरे धीरे रेंगते हुए बेड के पास पहुंचा।
अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल अब भी सो रहा था. हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड. अनिल का चेहरा अस्पष्ट था, साफ था और उस पर कोई भी निशान नहीं था. इवन आई हैड मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वाज मोस्टली स्केयर्स. करे छोर की यद्यपि मेरे चेहरे पे अधिक निशान थे और वो जो मेरे चेहरे पे निशान थे अधिकतर चोट लगने के कारण हुए थे. चोर बता रहा है कि मूनलाइट में चांदनी रात में अनिल का चेहरा स्वच्छ दिख रहा था और बिना लाइन के दिख रहा था. और वह फिर बता रहा था कि मेरे चेहरे पे अधिक मार्क्स थे, अधिक चिन्ह थे और सभी वो जो चिन्ह थे वो कटे हुए के निशान थे. माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. मेरा हाथ धीरे से, कहने का मतलब है कि मैंने अपना हाथ मैट जो चटाई थी जो कालीन था उसके नीचे धीरे से सरका दिया नोटों की खोज में. When I found them, जब मैं उन्हें पाया, I drew them out without a sound. और जब मैं नोटों को पकड़ लिया तो उन्हें बिना आवाज के बाहर निकाला. अनिल साई इन हिज स्लीव एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी. अनिल ने जम्हाई ली और नींद में ही वो मेरी ओर मुड़ गया. I was startled and quickly crawled out of the room. मैं चकित हो गया और तेजी से रूम से बाहर आ गया. When I was on the road, I began to run. और जब मैं घर के बाहर आ गया, रोड पे आ गया, तो मैं दौड़ना शुरू कर दिया. I had that note set my waist. वह नोट जो मैं अनिल के यहाँ से चुराया था इस समय वो मेरी कमर पे था. Held there by string of my pajama, जिसे मैं अपनी पायजामा की डोरी से बांध रखा था. I slowed down to walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. मैं थोड़ा स्लो हुआ, दौड़ना रोका और और उस नोट्स को काउंट किया, गिना. वह नोट टोटल नोट 600 रुपीस थे और 50-50 के नोट में थे. I could live like an old richer for a week or two. वह सोचा कि इतने रकम से मैं एक या दो सप्ताह अरब का जो धनी व्यक्ति होता है, रिच धनी तेल का व्यापारी होता है, उसके जैसे शानो शौकत से रह सकता हूँ. एक सप्ताह के लिए पैसा अरब के धनी तेल व्यापारी जैसे लाइफस्टाइल को प्रदान कर सकता है. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो जहां टिकट काउंटर था वहां पे नहीं रुका. I had never bought a ticket in my life. मैंने अपनी जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था. But dashed straight to the platform. टिकट काउंटर पे जाने की अपेक्षा मैं सीधे स्टेशन पे पहुंचा. The Lucknow Express was just moving out. Lucknow Express जाती रही थी, माने चल दी थी. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. अभी ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ा था और मैं आसानी से उन डिब्बों में से, उस ट्रेन के डिब्बों में से किसी एक में सवार हो सकता था, चढ़ सकता था.
बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेट किया, मैं वहां दुविधा में पड़ गया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन आई लॉस्ट द चीट टू गेट अवे चांस टू गेट अवे, किस कारण से मैं दुविधा में पड़ा यह तो अस्पष्ट नहीं है, मुझे भी ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं स्टेशन से जाने का मौका गंवा दिया, मतलब मैं लखनऊ से बाहर जाने का मौका गंवा दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, तब मैंने स्वयं को उस वीरान प्लेटफॉर्म पे पाया, मतलब उस यात्रियों के चले जाने से उस प्लेटफॉर्म पे कोई रह नहीं गया था। I had no idea where to spend the night, मेरे पास यह आइडिया नहीं था कि हमें रात कहाँ बितानी चाहिए। I had no friends, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, believing that friends were more trouble than help, मैं यह विश्वास करता कि जो मित्र हैं मदद करने की अपेक्षा नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station. और कह रहा है चोर कि मैं नज़दीक के किसी होटल पे ठहर कर रात बिता कर किसी को अपने प्रति उत्सुक नहीं करना चाहता था, मतलब कोई मेरे प्रति जिज्ञासा प्रकट करे कि मैं क्यों यहाँ ठहरा हूँ, इस चीज़ को मैं क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं होटल में नहीं ठहरा। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड, जिस व्यक्ति को सबसे अच्छी तरह से जानता था वह व्यक्ति अनिल ही था, जिसे मैं लूट कर आ रहा था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन को छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ने लगा। थैंक यू चिल्ड्रेन, द सेकेंड पार्ट ऑफ योर सेकेंड चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड।